से थे। लेकिन तेरे को एक बात बोलूं, तू जब गुंडागर्दी करता था ना तो अब उनका कलेजा हिलने लगता था। ए तू फिर से राउडी बन के दिखा ना अपन को। हाय माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे यार आप सभी। तो दोस्तों, किसी भाई ने इंस्टाग्राम पर डीएम किया था कि कृष्णा भाई का एक और ट्रेंडिंग वीडियो आया है तो उसका ट्यूटोरियल बताओ। तो टेंशन नहीं करने का दोस्तों, आपका भाई उसका भी ट्यूटोरियल लेकर आया है। वीडियो बहुत ही आसान है, पर आपको एक दो स्टेप ऐसे है जो ध्यान लगा के देखने होंगे। इसमें हम आपको बताऊंगा बैकग्राउंड भी कैसे ब्लर करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर दो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आपको दो वीडियो शूट कर लेने, एक आपको पहले नॉर्मल तरीके से वीडियो शूट कर लेना है, उसके बाद आपको राउडी बन जाना है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, आपको स्टेप बाय पूरा बताने वाला हूं दोस्तों। तो एक और बात बता दूं, काइन मास्टर को भी इस तरह से एडिट करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखकर एडिट कर सकते हो। प्लस पर टैप कर देना है, 9.6 इंच का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जो आपने वीडियो शूट किया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दो वीडियो मैंने आपको बताया शूट किया, आप देख सकते हो दो वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको वीडियो शूट कर लेना दोस्तों। एक चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे दाढ़ी नहीं है और इस वीडियो में है। तो दोस्तों, इसको भी मैंने एडिट किया है। तो इस तरह का आप भी वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखकर आप एडिट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो ऑडियो एड करना है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा दोस्तों। तो कृष्णा भाई का वीडियो है ये वाला, इससे ऑडियो निकालते हैं, वीडियो का हमारे कोई काम नहीं है। तो नीचे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर टैप करना है, वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपका इतना वीडियो बन गया है। पहले दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरह से आपको दो क्लिप शूट करने हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्लिप है, आपको साउंड मैच कर लेना। वैसे साउंड की इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा जो सीन है वो कुछ इस तरह से ही है। आपको चुप ही रहना, बोलना कुछ नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको दो वीडियो शूट करने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो पहले मैं थोड़ा म्यूजिक को कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक सुनने के बगैर हम वीडियो एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा म्यूजिक सुन लेना है। तो देख सकते हो इस तरह से, जैसे हम हाथ को इस तरह से ले जाते हैं पीछे की ओर, तो आपको एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो एडिट करने में दिक्कत आई, दोनों फिंगर टैप करके इस तरह से जूम कर लेना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे हम घूमते हैं इस तरह से, तो आपको इस पॉइंट पर आ जाना है, वीडियो टिक करना है और कैंची पर जाना है, ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड कर लेना है। इसके आगे वाला भाग जो है एंड वाला, उसको काट लेना है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं कहाँ से हम, आपको एक चीज़ नोट कर लेना दोस्तों, इस तरह से आप जो सेकंड क्लिप शूट करो, अपने कंधे पर जो फर्स्ट आपने शर्ट पहना हो, टी शर्ट पहनी हो, इसको इस तरह से आपने कंधे पर रख लेना है और आपको इस तरह से हाथ से धक्का देकर उस शर्ट को या टी शर्ट को नीचे धकेल देना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ से, ठीक है। तो इस वीडियो पर टैप करते हैं, कैंची पर टैप करते हैं, ट्रिम टू लैपटॉप आपको यहाँ पर काट लेना है, इसके आगे वाला भाग, ठीक है। राइट पट्टी कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मैच हो गया, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो मैच हो गया। अब दोस्तों, इसमें आप स्लोमो भी दे सकते हो, जैसे हम इसमें स्लोमो थोड़ा सा देंगे, ठीक है, यहाँ से स्लोमो देंगे। तो इस वीडियो पर टैप करते हैं, कैंची पर टैप करते हैं, स्लिट एट प्ले हेड इसके दो भाग कर लेते हैं। इस वीडियो पर टैप करते हैं, एंड वाले पर स्पीड पर टिप करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके मोबाइल में स्लोमो है तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। उससे भी स्लोमो दे सकते हो और यहाँ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्लोमो रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को देख लेते हैं हम यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको वो सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। तो इतना रख लेते हैं। अब वीडियो को हम क्या करते हैं, ऑडियो जितना रखते हैं तो पहले हम इसको काट लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे हमारे बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करें, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ग्रीन पर्दे पर वीडियो शूट किया है। तो ब्लर करने के लिए आपको पहले तो एक ही चीज़ करनी होगी दोस्तों, या फिर एक ट्यूटोरियल बताया मैंने इंस्टाग्राम से, आप अगर शूट करोगे कैमरे से उससे करोगे तो वीडियो आपका जो है बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हो, इससे पहले वाला वीडियो है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन का इस्तेमाल कर लेते हो पर्दे का, तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसको हम राइट पर टिक करके यहाँ पर कर लेते हैं एक बार एक्सपोर्ट। अब दोस्तों, वीडियो एक्सपोर्ट हो, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, एक ब्रेक आ जाते हैं, एक और ब्रेक आ जाते हैं, फिर से प्लस पर टैप करते हैं, 9 और 16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो आपको बैकग्राउंड में वीडियो फोटो जो भी लगानी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाने के लिए कोई सा वीडियो ऐड कर लेता हूँ, तो कोई सा क्यों, ये कृष्णा वाला वीडियो ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो हमारा आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों,
आपको एक और स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो स्किप मत करना दोस्तों। लेयर पर टैप करते हैं, इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक करना है और आपको बेसिक इफेक्ट है इस पर टिक करना है। फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, राइट पर टिक कर लेना है। इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से बढ़ा लेनी है वीडियो जितनी, और इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पर टिक करना है और इसको आपको इस तरह से जितना आप चाहो उस हिसाब से ब्लर कर लेना, ठीक है। तो इतना रख लेते हैं, ठीक है। और अब आपको लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है, जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो हमारा आज का दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, इसको आपको इतना जूम करना है जितना आपकी स्क्रीन के हिसाब से हो, ठीक है, इतना जूम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को हल्का सा स्क्रॉल कर लेना है, जैसे कृष्णा भाई का आप देख सकते हो जूम होके आउट होता है उस तरह से वीडियो आने के लिए। तो इतने स्क्रॉल कर लेना है, आपको चाबी का ऑप्शन है इस पर टिक कर लेना है और एक डॉट दे देना है, ठीक है। अब स्टार्ट में आ जाना है और इसको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको जितना जूम करना चाहो उतना जूम कर लेना है। राइट पर टिक कर देते हैं तो अब आप देख सकते हो इस तरह से कृष्णा भाई का वीडियो आएगा। इसको आप फर्स्ट रखना चाहते हो तो फर्स्ट भी रख सकते हो दोस्तों। ये जो हमने डॉट लगाया ये आपको पास में लगाना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने दूर लगा लिया, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोमा की पर टिक करना है, इसको इनेबल कर देना है और की कलर में आपको ध्यान रखना है ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और कोई सा कलर सेलेक्ट नहीं करना है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसको हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो वीडियो आपको देख सकते हो एडजस्ट यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हो जैसे हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है, क्योंकि वीडियो भी है कृष्णा भाई का लगाया था, उसको वीडियो भी नहीं दिख रहा है और बैकग्राउंड भी ब्लर जैसा दिख रहा है। इस तरह से आप ब्लर कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स कैमरे में वीडियो शूट करोगे वहाँ पर भी आप ब्लर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अब इस वीडियो को दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए आपको इस एरो पर टैप करना है और यहाँ पर कर लेना है दोस्तों एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।